नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसमें, न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल पे। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूं। और पहला टॉपिक हम लोगों ने खत्म कर लिया है, सॉलिड स्टेट, जिसकी वीडियो, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब वो सारी वीडियो आप देख चुके हैं। और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं, तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि भैया पहले जाके थ्योरी पढ़ लो। और आपने कहीं पढ़ा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, इसमें हम क्वेश्चन और आंसर का सेशन लेंगे और बहुत ही बेहतरीन डेप्थ तक, बात सुन मा दिया, डेप्थ तक हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मेरे बारे में आप जान रहे होंगे कि मैं जयसिंह मौर्य हूं, और आप लोगों को विगत कुछ दिनों से सॉलिड स्टेट को पढ़ा रहा हूं, और आगे भी बहुत बेहतरीन मजा आने वाला है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन, ठीक है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में ध्यान समझिएगा, पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट है, मोलिकुलर सॉलिड्स आर, ध्यान समझिएगा, मोलिकुलर सॉलिड्स आर। अब इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसके कितने ऑप्शन दे रहे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक एमॉर्फस सॉलिड है, एक आयनिक सॉलिड है और एक मेटालिक सॉलिड है। तो समझो मोलिकुलर सॉलिड किसका पार्ट था, आइए बैक आता हूं, मैं कुछ याद दिलाता हूं आप लोगों को कि सॉलिड को मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज किया था, कौन कौन से, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड था, कौन कौन, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड था, दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड था, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसे हमने एमॉर्फस भी बोला था, क्या बोला था मेरे भाई, एमॉर्फस भी बोला था। और फर्दर फर्दर क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के थे, चार, कौन कौन से, मोलिकुलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, और हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बैक आते हैं। तो मोलिकुलर सॉलिड्स आर क्या हैं, पहला ऑप्शन सही होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दूसरा एमॉर्फस दे रखा है, दूसरा ऑप्शन एमॉर्फस दे रखा है, तीसरा आयोनिक दे रखा है, चौथा मेटेलिक दे रखा है। तो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। सेकंड पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर, मैंने आपको याद करने का एक तरीका भी बता रहा होगा, क्या बता रहा होगा कि एन से क्या याद रखोगे मेरे भाई, निगेटिव याद रखोगे, और निगेटिव मतलब क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स। तो जब सिलिकॉन में डोपिंग की जाती है, किसकी, सिलिकॉन में डोपिंग की जाती है ग्रुप 15 की, ग्रुप 15 बोले तो मेरे भाई जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब एंटीमनी, बिस्मथ, किसी की भी डोपिंग करवा दो, वो सभी क्या फॉर्म करेंगे, एन टाइप फॉर्म करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, प्योर सिलिकॉन,
नहीं, ये नहीं हो सकता। एसआई डोप्ड विथ आर्सेनिक, सी ऑप्शन है। एसआई डोप्ड विथ गैलियम, एसआई डोप्ड विथ गैलियम, चौथा ऑप्शन है। एसआई डोप्ड विथ इंडियम। प्यार से शांति से जब आप इस चीज को, इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये नहीं होगा। क्यों? ये तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में मैं बताया था, आगे मैं डिटेल में बात करूंगा, क्वेश्चन आएगा, क्यों परेशान हो रहे हैं। तो सिलिकॉन डोप्ड विथ आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक, ये किसका है? ये देखो ग्रुप 15 का है कि नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? चलिए थर्ड है, इन फ्रंटल डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रंटल डिफेक्ट, इन फ्रंटल डिफेक्ट, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज्ड, बोथ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व्ड। अब समझते हैं तभी चारों ऑप्शन हो पाएगा। क्या होता है देखो, केटायन एनायन से मिलकर कोई सॉलिड बना होगा, इसमें होता क्या है, मैंने कहा फ्रंकल डिफेक्ट से याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, आयंस कैसे हो जाते हैं, फ्रैंक हो जाते हैं। आयन क्या हो जाते हैं? फ्रैंक हो जाते हैं। फ्रैंक होने का मतलब क्या है कि अपने लैटिस में, ध्यान समझिएगा, अपने लैटिस में, यहां से आयन मैं मान ले रहा हूं, यहां पे Na प्लस है, Cl माइनस नहीं, किसी स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहां केटायन है, यहां एनायन, यहां केटायन है, यहां केटायन है, यहां एनायन, एनायन केटायन, एनायन केटायन, यहां से केटायन क्या कर देता है, निकल जाता है। यहां से केटायन क्या हो जाता है मेरे भाई, निकल जाता है और कहां जाता है, इंटरस्टीशियल, इंटरस्टीशियल साइट्स में आ जाता है। अब जब इंटरस्टीशियल साइट्स में आ जाएगा तो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, क्या कोई केटायन बाहर गया, क्या कोई केटायन बाहर गया? नहीं, कोई भी केटायन बाहर नहीं गया। क्या कोई एनायन बाहर गया इस क्रिस्टल से? नहीं, कोई एनायन भी बाहर नहीं गया। तो क्या मास में चेंज आएगा मेरे भाई? नहीं, मास में चेंज नहीं आएगा। तो डेंसिटी में क्या चेंज आएगा? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जब मास में चेंज नहीं आया, वॉल्यूम तो फिक्स है इसका, तो क्या डेंसिटी चेंज आएगी? नहीं। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करें मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा? क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा? अरे हाँ भाई, पहले भी केटायन क्या था, लाइटिस के अंदर था, अभी भी केटायन लाइटिस के अंदर है, कोई भी केटायन साइट को छोड़ के नहीं गया है, उस यूनिट सेल को छोड़ के बाहर नहीं गया है, वो इंटरस्टीशियल साइट्स में चला गया है। बस क्या कर दिया है? इंटरस्टीशियल साइट्स में चला गया है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व्ड, ठीक है। चल इन क्रिस्टल लैटिस, इन क्रिस्टल लैटिस फॉर्म्ड बाई बीसीसी यूनिट, फॉर्म्ड बाई बीसीसी यूनिट सेल, द वाइड वॉल्यूम इस। जब आप देखने की कोशिश करोगे मेरे भाई, तो मैंने आपको बताया हुआ है ड्राइव करके, अब उसको बार बार ड्राइव करना हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो, तो करिएगा क्या, आपको क्या करना है, तो
जो मैंने ट्रिक बताया था उससे याद करना, जो मैंने ट्रिक बताया था उससे याद करना है। वैसे पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझो, हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड एटम, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड एटम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अरे होगा कि नहीं होगा, और गुणे क्या करोगे 100, क्या करोगे 100 तो टोटल वॉल्यूम निकालना, बीसीसी है तो बीसीसी का एन कितना आया था मेरे भाई, 2 आया था, तो 2 गुणे 4/3, जिन्होंने नहीं देखा वीडियो जाके देखें, बड़ा मजा आएगा, ए क्यूब, क्या आएगा ए क्यूब, और ए और आर में रिलेशन क्या निकल के आया था मेरे भाई देखना √3a इक्वल टू आया था 4r, जहां से a की वैल्यू मैं रख सकता हूं 4r बाई रूट थ्री, क्या रखता हूं 4r बाई रूट थ्री, तो bcc के लिए क्या आएगा, यहां से bcc के लिए जो कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा 68% पैकिंग एफिशिएंसी, क्या जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी कितना जाएगा 68% हो जाएगा, और वाइड कितना हो जाएगा मेरे भाई, अगर 68% भरा हुआ है तो क्या 32% खाली होगा कि नहीं होगा, क्या होगा 32% खाली होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, याद रखिएगा मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, ट्रिक से याद रखना है, अगर n की बात करो ध्यान समझो, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो तो ध्यान समझो, और देखो एफसीसी, एफसीसी को सीसीपी भी बोलते हैं मेरे भाई, सीसीपी भी बोलते हैं, ठीक है, एचसीपी बात अलग है, एचसीपी की तो बात अलग है, मैं उसको भी लिख दे रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर पैकिंग एफिशिएंसी। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, इसमें एक एटम होते हैं, इसमें 2 एटम होते हैं, इसमें 4, ये 1, 2, 4 आपको पता होना चाहिए। आपने कहा सर नंबर ऑफ टोटल एटम 1, 2, 4 होता है, लेकिन किसका 2 होगा किसका 4, तो देखो जरा सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है एससी, सबसे छोटा 2 अक्षर का नाम है, ये दोनों बड़े बड़े हैं, अरे बात समझ मारी कि नहीं आ रही, एससीपी की बात नहीं करेंगे अभी, ये दोनों बड़े बड़े हैं, आपने कहा हाँ दोनों बड़े बड़े हैं, बीसीसी और एफसीसी में अल्फाबेटिकली देखोगे तो बड़ा कौन है, अल्फाबेटिकली बड़ा कौन है, एफसीसी बड़ा है ना, बाद में आता है एफसीसी क्या है बड़ा है, तो बीसीसी क्या हो जाएगा बीच में आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 8, 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, 8, 12 हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 52.36%, 52.4 बोलूंगा मैं, अरे क्लियर है 68%, 74%। रही बात है सीपी की, तो इसका भी एन कितना होता है 6 होता है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा सोचो 12 होगा, क्या होगा 12 होगा, और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी 74% होगी क्या होगा 74% होगा, क्लियर है, अरे बात समझ में आ रही है, आ रही है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा हो गया, पांचवें की तरफ बढ़ता, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी, बीसीसी क्रिस्टल लैटिस कितना हो जाएगा, अरे कितना होगा, कितना होगा बीसीसी के लिए, यही आया था 8 ना, देखो देखो होता क्या है, देखो जरा ये जो हम क्यूब बनाते हैं ना ये जो हम क्यूब बनाते हैं ध्यान समझियो, ये कॉर्नर पे एटम तो रखते ही रखते हैं, बीसीसी ऐसे ही बनाते हैं,
बिल्कुल, इसके बीच में एक एटम रखते हैं, क्या करते हैं इसके बीच में एटम रखते हैं, और इमेजिन कैसे करना है समझो, मैं तो क्यूब लाया नहीं हूं आज, तो क्यूब होता तो समझ में आता, बट वीडियो में खूब भर भर के मैंने क्यूब से समझाया, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। अब क्यूब सोचो कि कमरे के बीच में कोई खूब बड़ा सा एटम रख दो, एक कहा बड़ा सा एटम रख दो, और वो टच किससे करे, वो कॉर्नर पर रखे हुए एटम्स को टच करे, कहां पर रखे, कॉर्नर पर रखे हुए एटम्स को टच करे। अब ये सभी के साथ टच करे, ये इसको भी कर रहा है, 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 इसको इसको इसको, एक्चुअली में सेंटर पर रखा हुआ है, कमरे पे सेंटर पर रखा हुआ है, तो बताओ कितने से टच कर रहा है, आठ से, ट्रिक से तो हमें आदि आएगा, कितने से टच कर रहा है, आठ से टच कर रहा, ठीक है। वैसे भी कोई कहे आपसे कैलकुलेट करके दिखाओ तो कैसे करोगे, कैलकुलेट थोड़ी ना कर पाओगे। चलिए सिक्स नंबर, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, फोर स्पेयर्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाइट, द सेंटर ऑफ स्पेयर्स इन ऑक्टाहेड्रल व्हाइट आर द एपिसाइज ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, इफ द नंबर ऑफ एटम्स इन एन द नंबर ऑफ, अच्छा ठीक, टेट्राहेड्रल व्हाइट कैसे बनेगा, कह रहा है कि फोर स्पेयर्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाइट, तो मेरे भाई क्या ये ऑप्शन सही होने वाला है, टोटल स्पेयर, टोटल स्पेयर कितने मेरे दोस्त, टोटल स्पेयर कितने हैं, टोटल स्पेयर कितने मेरे दोस्त, चार, कितने हैं, चार, टोटल स्फेयर की बात करोगे तो कितने स्फेयर हैं मेरे भाई, चार स्फेयर हैं, कितने स्फेयर हैं, चार, क्लियर है, ठीक है, दिख रहा है, हाँ हाँ दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। दूसरा ऑप्शन, द सेंटर्स ऑफ स्फेयर्स इन ऑक्टाहेड्रल व्हाइट आर द एपिसाइज ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, जब आप देखोगे ऑक्टाहेड्रल व्हाइट कैसे बनता है तो देखो जरा। ठीक, ये है टेट्राहेड्रल व्हाइट, ध्यान समझो मेरे भाई, ये है टेट्राहेड्रल व्हाइट, ये है ऑक्टाहेड्रल व्हाइट, ठीक है। कह रहा है चार स्फीयर, इसमें छह स्फीयर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर छह, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर चार, द सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स इन ऑक्टाहेड्रल व्हाइट आर द एपिसाइज ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, देखो भैया ना इसे देखोगे जब रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बनेगा, क्या बनेगा, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बनेगा, ये आप याद कर लो, ठीक है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बनेगा, ठीक है, ध्यान समझना। अगर आप बात करो टोटल, टोटल ऑक्टाहेड्रल व्हाइट की बात करो, आप टोटल टेट्राहेड्रल व्हाइट की किसी भी लैटिस में मेरे भाई, तो क्या होने वाला है, तो ध्यान समझिएगा, जो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट होता है वो क्या होता है, एन होता है, और टेट्राहेड्रल व्हाइट टू एन होता है, क्या होता है, टू एन होता है, जहां पे एन की वैल्यू क्या होती है, जहां पे एन की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स, क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स, जहां पे एन की वैल्यू क्या होने वाली है, नंबर ऑफ एटम्स, क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स होगा, क्लियर है। बात समझ में आ रही है, चलो ये चीज समझ में आ गया, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ एटम्स इज एन द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल व्हाइट इज टू एन, नहीं, अगर एन है तो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट भी क्या होगा, एन होगा, टू एन तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल व्हाइट होगा, टू एन क्या होगा, टेट्राहेड्रल व्हाइट होगा, क्लियर है। चलिए बात करते हैं सेवंथ नंबर की, एक कंपाउंड फॉर्म्स एचसीपी स्ट्रक्चर, क्या फॉर्म करता है, एचसीपी स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल व्हाइट्स इन 0.5 मोल, देखो मेरे भाई, अगर एचसीपी का
अब निकालना चाहो एसीपी का, निकालना चाहो नंबर ऑफ एटम, तो कितना हो जाएगा? अरे भाई अगर एससीपी का एन निकालोगे तो ओक्टा हेडल वाइट क्या होगा? ओक्टा हेडल वाइट तो एन होगा, ये क्या हो जाएगा? टू एन होगा। क्या हो जाएगा? टू एन हो जाएगा। अब ये सैंपल कितना मोल दे रखा है? ये 0.5 मोल दे रखा है। इसका मतलब कि उसमें 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10^23, मतलब ये गुणा करोगे तो आएगा 3.011 इंटू 10^23 एटम्स हैं किसने? एचसीपी लैटिस में। एचसीपी लैटिस में कितने हैं? 3.011 इंटू 10^23 है, ठीक है। अगर आप बात करोगे, ध्यान समझिएगा, अगर आप बात करोगे टेट्रा हेडल वाइट की, तो टेट्रा हेडल वाइट कितने होने वाले हैं? 2n होगा। क्या हो जाएगा? 2n होगा। तो ओक्टा हेडल वाइट तो क्या हो जाएगा बेटा? 3.011 इंटू 10^23 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3.011 इंटू 10^23 हो जाएगा, जिसे हम 6.022 इंटू 10^23 कहेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम है। अब की बार आपको एटम्स नहीं दिया था, एटम्स देता, अगर नहीं एटम्स देता तो सीपी में कितने एटम्स होते हैं? 6। तो हम 6 के अकॉर्डिंग करते हैं, उसमें 6 एटम थे तो 6 ओक्टा हेडल वाइड होता और 12 टेट्रा हेडल वाइड होता, लेकिन उसने बोल दिया कि मोल है, कितने मोल है? 0.5 मोल है। कितने मोल बोला है? 0.5 मोल बोला है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीबी हैज एफसीसी स्ट्रक्चर, पीबी हैज एफसीसी स्ट्रक्चर जिसकी एज लेंथ दे रखी है मेरे भाई कितना? 495 पिकोमीटर। कितना? 495 पिकोमीटर। तो रेडियस ऑफ, कह रहा है रेडियस ऑफ पीबी एटम निकालना, रेडियस ऑफ पीबी एटम निकालना है। तो ध्यान से समझो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्चुअली में जो एफसीसी होता है वो क्या होता है? वो फेस सेंटर्ड होता है। देखिए जरा कैसे होगा। फेस सेंटर्ड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? कुछ इस प्रकार होता है। जब किसी फेस से देखोगे तो आपको इस प्रकार दिखने वाला होता है। देखिएगा, ये है इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। जब आप इसमें रिलेशन निकालोगे तो रिलेशन क्या निकल के आएगा? ये जो रूट टू ए डिस्टेंस होती है, रूट टू ए डिस्टेंस होती है, वो किसके इक्वल होगी? 4r के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? 4r के इक्वल होगी। और जो r की वैल्यू होगी, ध्यान समझिएगा, r की वैल्यू हो जाएगी रूट टू ए बाई 4, जिसे हम लिखेंगे क्या? 2√2a। क्या हो जाएगा? 2√2a हो जाएगा। और फेस सेंटर्ड है, √2√2, ठीक है। आर निकालना है, हाँ 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 हाँ, इधर देखो, इधर देखो, क्या हो जाएगा? ए वाई 2√2 हो जाएगा, और आर की वैल्यू जाएगी 0.3535a, और आर की वैल्यू जो निकलोगे 0.3535 इंटू 495 पिकोमीटर लिखोगे तो ये लगभग 175 पिकोमीटर के आसपास आएगा। कितना आएगा? 175 पिकोमीटर के आसपास आएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, पास ऑन मारी है, ठीक है। अगर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है इसका, वो क्या कह रहा है? वो आपको 1 से 2 लाइन में इसका आंसर देना है। कितने में देना है? 1 से 2 लाइन में आंसर देना। तो देखिएगा कैसे आंसर देंगे। दूसरे का कह रहा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द 4 मेन क्लासेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कह रहा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स हैं, उनमें
किस प्रकार के एटम्स हैं, उनमें किस प्रकार के एटम्स हैं। क्लियर है? चलिए, तो अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कितने प्रकार के सॉलिड्स हैं। अभी हमने आपको बताया कि सॉलिड्स कितने प्रकार के हैं, क्रिस्टलाइन चार प्रकार के। देखिएगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो चार प्रकार का है। कौन कौन सा? मोलिकुलर सॉलिड, ठीक। दूसरा आयोनिक सॉलिड, तीसरा मेटैलिक सॉलिड, चौथा कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करो, मतलब वो पार्टिकल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होंगे भैया? मेरे नाम से क्लियर हो रहा है, मोलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे? मोलिक्यूल्स होंगे। इसमें आयन्स होंगे। क्या होंगे? आयन्स होंगे। और मेरे भाई समझो, आयन्स का मतलब केटायन्स और एनायन्स दोनों होता है। क्या होगा? केटायन्स और एनायन्स दोनों होगा। ये चीज नोट करके रखिएगा, ठीक है? केटायन्स होंगे और एनायन्स होगा। मेटालिक सॉलिड में क्या होता है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है? केटायन। क्या होता है? केटायन इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी मतलब समझते हैं समुद्र। क्या? समुद्र मतलब इलेक्ट्रॉन की बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थिति हो, और उसमें कहीं कहीं क्या हो जाए, कहीं कहीं केटायन प्रेजेंट हो, ठीक है? इसमें क्या होता है? एटम्स होता है। क्या होता है? एटम्स होता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में नहीं, आप लाइन वाइज लाइन करके चार लाइन में इसको लिख सकते हो, ठीक है? ज्यादा डिटेल में बात नहीं करनी, ठीक है? क्वेश्चन है, पहले लिखता हूं, विच आर द थ्री टाइप्स ऑफ पैकिंग यूज्ड बाय मेटल मेक द मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ स्पेस एंड विच मेक्स द लीस्ट इफिशियंट यूज। जो हम तीन टाइप्स के, ध्यान समझना मेरे भाई, जो थ्री टाइप्स के हमने पैकिंग पढ़े हैं, कौन कौन से पैकिंग पढ़े मेरे भाई? एससी पढ़ा, बीसीसी पढ़ा, एफसीसी पढ़ा। तो कह रहा है कि मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ स्पेस, कौन स्पेस को सबसे ज्यादा यूज करता है और कौन स्पेस को यूज नहीं करता है या लीस्ट यूज करता है। तो समझो, समझो क्या कहना चाह रहा है। एससी, बीसीसी, एफसीसी या फिर सीसीपी या फिर एससीपी, ध्यान समझो मेरे भाई, इनकी बात करें तो इनकी पाइकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? 74% होती है। मतलब ये क्या होते हैं? ये लीस्ट नहीं, ये क्या हो जाएंगे? मोस्ट इफिशियंट। क्या हो जाएंगे? मोस्ट इफिशियंट हो जाएंगे। कौन कौन? एफसीसी। और लीस्ट इफिशियंट क्या होगा? ये 68% होता है, ये 52.36% होता है मेरे भाई। तो ये लीस्ट इफिशियंट है कि नहीं है? सबसे ज्यादा खाली जगह किसमें होगी? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर मैं बोलूं प्रिमिटिव यूनिट सेल में होगा। क्या होगा? प्रिमिटिव यूनिट सेल में होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है मामला? चलो ठीक है, आगे बढ़ता है। कह रहा है कि द फॉलोइंग पिक्चर शो द पॉपुलेशन ऑफ बैंड्स फॉर मटेरियल क्लासिफाई। तो देखो क्या बना रहा है चित्र। तो बैंड थ्योरी मैंने बहुत ही आराम आराम से पढ़ा है मेरे भाई, समझो। बैंड थ्योरी में क्या है कि जब इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, इसको बैलेंस बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
बैलेंस बैंड बोलते हैं, जब इनके बीच जो गैप होता है, ये जो गैप है अगर ये एकदम जीरो हो जाए तो उसे हम बोलेंगे कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? कंडक्टर बोलेंगे। और यदि बहुत ज्यादा होगा तो उसे हम इंसुलेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? इंसुलेटर बोलेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा गैप होगा, अगर ये गैप थोड़ा सा होगा तो उसे हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर। बस इतना से बताना था, ठीक है? आप अपनी भाषा में इस चीज को लिख सकते हो, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज यूनिट सेल। पढ़ा है? पढ़ा है तो बताओ। सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, समझिएगा, रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल लैटिस की सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग जो यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर चेंज विथ टेम्परेचर, व्हाई? क्या कह रहा है कि क्यों होते हैं और टेम्परेचर के साथ इफेक्ट क्या होता? देखो, ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड बना रहा हूं, जरा समझो। ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है। जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, ध्यान समझिएगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो इनके बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। किसमें? एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल की तरफ जाता है और लौटते समय एनर्जी क्या करता है? नहीं, जाते समय एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, आते समय एनर्जी रिलीज करता है। क्लियर है? एनर्जी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अब सेम कहानी यही है, जैसे हमने थर्मल एनर्जी दी, जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया सेमीकंडक्टर में, तो इनके इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगे बेटा? एक्साइटेड स्टेट में आने लगे। कैसे? एक्साइटेड स्टेट में आने लगे। और एक्साइटेड स्टेट में आने का मतलब क्या? जैसे हमने टेम्परेचर दिया, ये कूद के कहां चले जाएंगे? ये कूद के बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में चले जाएंगे, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और इस प्रकार इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी, पहले बहुत कम जाते थे, लेकिन अब जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया है तब जो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी? बहुत हाई हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज होती है। क्लियर है बात? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चित्र दे रखा है, कह रहा है द पिक्चर्स रिप्रेजेंट बैंड्स ऑफ एनोड्स ऑफ सिलिकॉन लेबल बैलेंस बॉन्ड कंडक्शन बैंड एंड बैंड गैप। तो बड़ा सिंपल है। सिंपल क्या मेरे भाई? देखो, ऊपर है नीचे है। अरे समझ में आया? तो अभी तो मैंने समझाया ना इसके बारे में। नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं। देखो, इसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। जो ऊपर होता है कंडक्शन बैंड होता है। कंडक्शन बैंड का क्या नेचर है? ये वैकेंट भी हो सकता है और पार्शियली ऑक्युपाई होता, पूरा नहीं, नहीं नहीं पूरा नहीं, पार्शियली ऑक्युपाई, थोड़ा सा भर सकता है। इसको बोलते हैं बैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं? बैलेंस बैंड बोलते हैं। कुछ लोग इसे फील्ड बैंड भी कहते हैं। इसको फील्ड कहोगे तो इसे क्या एम्प्टी बैंड नहीं बोलोगे? बोलोगे ना।
और मेटल के केस में ध्यान से समझो भैया, मेटल मेटल के केस में जैसे सोडियम मैग्नीशियम, हमने सोडियम मैग्नीशियम में इसको मैंने 3p बैंड बोला था और इसको 3s बैंड बोला था। क्या बोला था? 3s बैंड बोला था। तो मेटल के केस में ये s बैंड का काम करता है, ये p बैंड का काम करता है। क्लियर है? बात समझ आ रही है? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो बोलना पड़ेगा ना। एक क्वेश्चन है, क्या है? सॉलिड इज हार्ड, ध्यान समझो मेरे भाई, सॉलिड इज हार्ड, ब्रिटल एंड इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर, इट मेल्ट्स कंडक्ट, मेल्ट्स कंडक्ट मतलब कंडक्टर हो गया। तो व्हाट टाइप्स ऑफ सॉलिड इट इज। तो देखो, जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी ना आपको मेरे भाई, क्या पढ़ाई थी? आयोनिक सॉलिड का जब देखोगे आप थ्योरी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, येलो कलर में आयोनिक सॉलिड लिखा था और मैं वीडियो चेक करता रहता हूं कभी कभी। मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केटायंस और एनायन होते हैं। तुमने कहा सर वो सब तो ठीक है, हमने कहा था ये क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। जैसे NaCl का एग्जाम्पल ले लो, और मैंने NaCl का एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने बोला था ब्रिटल होते हैं ये। क्या होते हैं? ब्रिटल, जिसे हम नाजुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाजुक बोलते हैं। हार्ड मतलब दिखने में हार्ड होगा, लेकिन अगर किसी चीज से पीट दोगे तो वो चूर हो जाएगा। जैसे सोडियम के पार्टिकल्स हैं, हार्ड तो होते हैं दबाने पे, लेकिन अभी आप लोहे से पीट दो तो क्या जाएगा? पाउडर। अरे समझे कि नहीं समझे? समझे ना मेरे भाई, समझ गया कि नहीं समझ गया? खाते नहीं है नमक है इस तरीके से। अगर ये सोडियम, सोचो सोचो नमक अगर सॉलिड आपके पास है, क्या नमक में आप इलेक्ट्रिसिटी का वो तार लगा दोगे तो वो पास करेगा क्या? नहीं करेगा भाई, नहीं करता है। तो नॉन कंडक्टर है वो। क्या है? नॉन कंडक्टर है, लेकिन मोल्टन स्टेट में आ जाए मेरे भाई। मोल्टन मतलब गलित, मैंने वहां भी लिखा था गलित मतलब गला दो, Na+Cl- किसमें हो जाए? गल जाए। तो मोल्टन स्टेट में ना भैया ये कंडक्टर का काम करता है। किसका? कंडक्टर का काम करता है। किसका काम करता है? कंडक्टर का काम करता है। क्लियर है? अरे समझ में आया? तो कौन सा सॉलिड है? आयनिक सॉलिड है। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? आयनिक सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक। मेंशन टू प्रॉपर्टीज दैट आर कॉमन टू बोथ SCP एंड CCP लैटिस। HCP एंड CCP लैटिस कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो सेम है? दो प्रॉपर्टी। तो पहला सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का कितना होता है? 12। दोनों का कितना होता है? 12। दूसरी प्रॉपर्टी की बात की, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? कि नंबर ऑफ सराउंडेड एटम विच इज टच टू देम। मतलब अगर मैं हूं ये, और मेरे आसपास ढेर सारे लोग हैं, लेकिन ढेर सारे लोगों से मतलब नहीं है, जो मुझे छू रहा होगा, जो मुझे टच कर रहा होगा, वही मेरे लिए क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो नेबरिंग पार्टिकल्स विच इज टच टू देम मतलब क्या करेगा? जो उसको टच करेगा उसके लिए वो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और पैकिंग एफिशिएंसी की बात की जाए तो मेरे भाई सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इनको क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। 74%। बाइट कितना होगा मेरे भाई? 26% होगा। बाइट कितना होगा? 26% होगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? चलिए। क्या रहा है? स्केच ए टेट्राहेड्रल बाइट। टेट्राहेड्रल बाइट बनाना है तो देखो मेरे भाई, तीन एटम तो ऐसे होंगे इस प्रकार से,
और एक एटम इसके ऊपर जो होगा, ध्यान समझो, एक एटम जो इसके पास होगा ये वाला, ये जो वाइट जनरेट होगा, ये कौन सा, ये जो जनरेट होगा इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइट। ये है स्ट्रक्चर किसका, टेट्राहेड्रल वाइट। ठीक है, पूछा है व्हाट आर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में, जो स्ट्रांगली क्या होंगे, इसमें लार्ज नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसमें खूब लार्ज नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड पास कर दो ना भैया, तो ये क्या रहेंगे, बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। और इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो ध्यान समझिएगा, यफी कोबाल्ट, मैं बताया था यफी कोबाल्ट निकिल जीडी गैलोडनियम सीआरओ2, ये सभी क्या है इसके एग्जाम्पल। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो अब आइए स्टार्ट करेंगे हम लोग थर्ड वाला पार्ट, जिसमें हमें आंसर करना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं यहां से सॉलिड स्टेट के जो बड़े क्वेश्चन हैं, या फिर कहें आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिनका ब्रीफ में हमें सॉल्यूशन देना है, या फिर जिनमें न्यूमेरिकल्स होंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन को यहां से शुरुआत करते हैं। जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन है व्हाट आर बैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड। कंडक्शन बॉन्ड कंडक्शन बैंड बॉन्ड नहीं बैंड बोलता हूं एक्चुअली मुझसे अक्सर मिस्टेक से निकल जाता है, बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड की पहली बात मैं बोलूं तो हायर एनर्जी लेवल बैंड होती है। कैसे फॉर्मेशन होता है इनका, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं सॉलिड के, जो सॉलिड एक दूसरे के, जो दो सॉलिड एक दूसरे के पास हैं, क्लोजली एकदम पैक्ड हैं, मतलब एकदम पास हैं, तब उनके आउटर मोस्ट सेल से मिलके क्या बनता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से मिलके बनता है क्या, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड एम्प्टी भी रह सकता है पार्शियली ऑक्युपाइड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑक्युपाइड भी हो सकता है। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो मोबाइल होते हैं, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, सारी चीज देखिएगा। इनके इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, मोबाइल्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं। क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं जो मूव कर सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, आइए डिफरेंस पूछा है ना इन दोनों में, डिफरेंस पूछा है तो कैसे आंसर देंगे, ध्यान समझिएगा। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई की जाएगी तो कंडक्शन बैंड क्या करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, मोबाइल होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, मोबाइल होते हैं, जिनकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये लो एनर्जी लेवल बैंड होते हैं, लो एनर्जी लेवल बैंड होते हैं।
एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ध्यान समझिएगा, बैलेंस सेल, बैलेंस सेल, बैलेंस सेल, जिसमें बैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स मिलने पर बनते हैं। जैसे सोडियम हमने देखा था लास्ट में 3s1 आया था, 3s1 3s1 यही ना मिले थे मेरे भाई, ठीक है। ये क्या होंगे, हमेशा क्या होता है, फील्ड होते हैं, फुली फील्ड होते हैं, फुली फील्ड होंगे। सिर्फ हाफ फील्ड होगा किसके केस में, हाफ फील्ड होंगे एल्कली मेटल के केस में, एल्कली मेटल जैसे सोडियम पोटेशियम ईटीसी, सोडियम पोटेशियम ईटीसी। ठीक है, चौथा, इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से समझो मेरे भाई, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोबाइल नहीं होते, ना ना ना, इनके इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल नहीं होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं, वो मूवेबल नहीं होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आयनिक सॉलिड एंड मोलिकुलर सॉलिड। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयनिक सॉलिड और मोलिकुलर सॉलिड में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। तो जब हमने पढ़ाया था आपको, डिटेल में बताया था इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं, और ये सॉफ्ट होते हैं हार्ड होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बीच फोर्स कैसा लगता है, ये कंडक्टर होते हैं कि नहीं होते हैं। आइए, आयनिक सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आयंस होते हैं, वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं, जिन्हें हम केटायंस या एनायंस भी कहते हैं, केटायंस एंड एनायंस। ठीक, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम इलेक्ट्रो स्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है, और इनके बीच जो फोर्स लगता है वो वीक फोर्स होते हैं, कौन से वीक फोर्स होते हैं, जिन्हें हम वंडरवाल फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वंडरवाल फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे पोलर पोलर होगा तो, अरे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, नॉन पोलर होगा तो इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, जिसे डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स भी कहते हैं, वो लगेगा। तीसरा, ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, इनका लो होता है, ये कंडक्टर होते हैं मोल्टन स्टेट में, नॉन कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, और कोवेलेंट मोलिकुलर सॉलिड की बात की जाए तो ये वेरी वीक कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर, इन्हें क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। वो डाइपोल के द्वारा ना थोड़ा सा चार्ज जनरेट होता है, उसी के थ्रू ये क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ आर द स्पेयर्स अरेंज, नहीं नहीं, थर्ड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आगे बढ़ गया मैं, थर्ड क्वेश्चन है,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी यूनिट, एफसीसी यूनिट ध्यान से सुनो, इसी का तो इंतजार कर रहे थे। एक क्यूब है मेरे भाई, एफसीसी है, इसका मतलब कॉर्नर पे भी होगा और कहां पे होगा और फेस पे भी होगा, ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, तो मैं लिखूंगा नंबर्स ऑफ एटम्स इन एफसीसी, तो क्या हो जाएगा ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर, कॉर्नर पे जो एटम है उनका कितना होगा देखना जरा, आठ हैं और एक कॉर्नर का जो कॉर्नर पे रखा जाता है एटम पे, नहीं नहीं एक एटम का जो कॉर्नर पे रखे जाते हैं उनका कितना पार्टिसिपेशन, 1/8 यहां से निकल के आएगा 1। नंबर ऑफ एटम एट फेस, फेस कितने होते हैं क्यूब में मेरे भाई, 6 होते हैं और फेस पे रखा हुआ एटम का पार्टिसिपेशन 1/2 कितना हो गया, 3। तो टोटल टोटल एक यूनिट में कितने हो जाएंगे, 1+3 इक्वल टू कितना, 4। क्या हो जाएगा, 1+3 इक्वल टू 4, क्लियर है बात। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ आर द स्पेयर्स अरेंज इन फर्स्ट लेयर ऑफ सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, हाउ आर द सक्सेसिव लेयर्स ऑफ स्पेयर प्लेस्ड अबव दिस स्ट्रक्चर। जब याद करोगे देखना जरा कैसे है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसे होगा, इनमें देखना लेयर बता दे रहा हूं, देखो एक तो एटम्स का क्या होगा, ये एटम्स हैं ध्यान समझना मेरे भाई, 4 एटम्स हैं और एटम्स ये 3D में है और इनका अरेंजमेंट कैसे होगा मेरे भाई, ध्यान समझो, इस एटम के नीचे एटम रहेगा, इस एटम के नीचे एटम रहेगा और इस एटम के नीचे एटम रहेगा और इस एटम के नीचे एटम रहेगा और इसी प्रकार पुनः चलेगा, इसी प्रकार पुनः चलेगा। ये कौन सा लेयर बोलते हैं भैया, देखो अगर इस लेयर को ए मान लो तो क्या इसके जैसी बनावट इसकी भी है, तो इसको भी ए मानोगे और इसको भी ए मानोगे, तो आप बोलोगे ए ए ए ए टाइप स्ट्रक्चर। ये तो एक प्लेन में है ध्यान समझो मेरे भाई, एक प्लेन में है, अब इसके ऊपर भी आएगा ये कैसे, कहने का मतलब एक गोला इसके ऊपर भी आएगा, फिर एक ऊपर आएगा, फिर एक ऊपर आएगा, फिर एक ऊपर आएगा, ऐसे तह 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 चली जाएगी, बात समझ में आ रही है, परत एक परत ये है इसके ऊपर इसी के जैसा हूबहू परत, फिर परत फिर परत फिर परत फिर परत, ये क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल दैट हैज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, देखो कैसे होगा।
जब एक फेस के थ्रू देखोगे मेरे भाई, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। यहां से जब तुम रिलेशन निकालोगे, ये एज लेंथ कितनी है मेरे भाई, ए है, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 2r आएगा, ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 2r आएगा। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, एक होती, कितनी होती है, एक होती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 1 × वैल्यू ऑफ, पढ़ाया हुआ है मेरे भाई, वैल्यू ऑफ किसका, वैल्यू ऑफ एटम डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ यूनिट सेल, क्या हो जाएगा, यूनिट सेल हो जाएगा, इंटू क्या लग दो 100। देखना, 1/4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब हो जाएगा, और 1/4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 2r है, तो हो जाएगा 8r³, ठीक है। और इसको काटोगे तो आएगा पाई बाई 6 × 100 × 100 × 100, और पाई की वैल्यू होती 3.14 × 100/6, आएगा क्या 314/6, आएगा 52.36%, क्या आएगा 52.36%। सब कुछ कराया हुआ है यार, वीडियो देखो बस, सब कुछ कराया हुआ है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो नहीं करवाया हुआ। छठा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, जब आप देखोगे ना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, तो एक बहुत ही अच्छी बात मिलेगी कि आपको क्या मिलेगी, कि इनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा इन्हीं की वजह से ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्ट बाई मैग्नेटिक फील्ड, क्या जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड, और वो एराइज हो जाते हैं किसी डायरेक्शन में, जैसे इधर हो गया, 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 क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, टेक्स्ट बुक भी प्रिफर कीजिए कुछ, जैसे O2 Cu2+, अरे बात समझ आ रही है, Cu2+ Cr+3, अरे मेरे भाई कुछ भी लिख दो ना, ETC, अरे भाई जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे, जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लोगे ना, तो आप खुद ही बता दोगे सर कि कौन पैरामैग्नेटिक हुआ, कौन डायमैग्नेटिक, तो अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाउ आर सक्सेसिव हो गया, व्हाट आर पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है, व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ शॉटकी डिफेक्ट, ठीक है, शॉटकी डिफेक्ट, कह रहा है कि शॉटकी डिफेक्ट के रिजल्ट बताओ जरा, तो सुनना, इसमें केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, मतलब लाइटिस ही छोड़ के भाग जाते हैं, क्या होता है, लाइटिस ही छोड़ के भाग जाते हैं। अब लाइटिस छोड़ के भाग जाएंगे मेरे भाई, तो सोचो जरा, क्या डेंसिटी कम हो जाएगी कि नहीं, अरे भैया आयंस चले गए, मास कम हो गया, तो डेंसिटी कम होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल कम होगी। तुमने कहा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भैया मेंटेन रहती है, जितना चार्ज केटायन का जाएगा उतना चार्ज एनायन का जाएगा, जैसे अगर CaCl2 है, सुनो,
तो इसमें एक कैल्शियम 2 प्लस जाएगा तो दो सीएल माइनस लेके जाएगा, इतना समझो, और एक एन ए प्लस लेके जाएगा तो एक सीएल माइनस लेके जाएगा, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है मामला। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहती है, बैलेंस रहती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहती है, बैलेंस रहती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ बस इतना ही था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठवां नंबर, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक यूनिट सेल विथ सीएल माइनस आयंस सीएल माइनस एट कॉर्नर। इसके तो हम लोग जादूगर हैं, देखो तो, एंड सीजियम प्लस आयन इन द सेंटर ऑफ द क्यूब, सीजियम प्लस कहां है, सेंटर ऑफ क्यूब, देन आयन इन द सेंटर ऑफ क्यूब, हाउ मेनी सीएससीएल मॉलिक्यूल्स आर देयर इन ए यूनिट सेल। सुनो, मैं मान ले रहा हूं कि सी एस एक्स सी एल वाई होगा, सी एस एक्स सी एल वाई होगा। तुमने कहा सर इसके बारे में हमको पता है। क्या पता है, देखना देखना, अगर एक्स निकालोगे कॉर्नर पे है तो कॉर्नर कितने मेरे भाई, आठ हैं, कितने हैं, आठ हैं, तो आठ गुड़े क्या हो जाएगा, आठ गुड़े एक बटा आठ होगा, कॉर्नर क्या होता है, एक बटा आठ होता है। अगर वाई निकालोगे तो एक बॉडी सेंटर और एक ही रेखा, तो वाई इक्वल टू एक हो जाएगा और एक्स इक्वल टू एक हो जाएगा, मतलब एक यूनिट सेल में, ध्यान समझो, एक यूनिट सेल में एक सीजियम प्लस आयन है, एक सीएल माइनस आयन है, और ये मिल के बनाएंगे एक सीएससीएल। तो कितना मॉलिक्यूल होगा भैया मेरे, एक सीएससीएल का मॉलिक्यूल होगा, कितना होगा, एक होगा सीएससीएल का मॉलिक्यूल, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ता, एक क्वेश्चन है, नौवां नंबर, सीयू क्रिस्टलाइज, सीयू क्रिस्टलाइज इन एफसीसी यूनिट सेल, विथ एज लेंथ इज इक्वल टू 495 PM पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सीयू एटम, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सीयू एटम। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन हमने शायद किया हुआ है, ये क्वेश्चन हमने शायद किया हुआ, लेकिन ठीक है फिर भी। एफसीसी लैटिस है, मतलब क्या होगा, देखो ये फेस होगा और ये इससे टच कर रहा होगा, ये इससे टच कर रहा होगा, ये इससे और इससे, यहां से क्या निकल कर आएगा, इसकी लंबाई निकालो, रूट टू ए, सब एक का पेन से लिखोगे का, अरे बदलो ना मेरे भाई, देखो यहां से लिखोगे रूट टू ए इक्वल टू 4R, अरे लिखोगे कि नहीं लिखोगे यार, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट टू ए बाई 4, और R इक्वल टू क्या जाएगा, a बाई 2 रूट टू, R इक्वल टू जाएगा 0.3535 a। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 0.35 इंटू 495 और आएगा 175, कितना आएगा 175 पिकोमीटर। अरे 500 मान लो, 500 गुणे 3 150, 5 25, 25 में 150 जोड़ोगे 175, कितना आएगा 175। ठीक है, आगे बढ़े, अच्छा ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल एंड एज लेंथ, डेंसिटी
ध्यान समझो, डेंसिटी निकालने के लिए क्या करोगे? अरे मास आप यूनिट सेल निकालोगे, वॉल्यूम आप यूनिट सेल निकालोगे, पुट कर दोगे। देखो डेंसिटी क्या होगा, मास ऑफ जो यूनिट सेल की होगी डेंसिटी वही लैटिस की भी होगी, बताया मैंने डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब कैसे निकालोगे मास, कैसे निकालोगे? देखो मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे, देखो मास ऑफ वन एटम कैसे निकालोगे? अगर आप किसी के बारे में लिखना चाहो, देखो मोलर मास, मेरा 11th वाला वीडियो देखिएगा, मजा आएगा उसमें। मोलर मास का मतलब क्या होता है कि मोलकुलर मास के, मोलकुलर मास को किसमें रिप्रेजेंट करते हो? ग्राम में। जैसे हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या है, एक मोल एटम में कितने, 1 ग्राम है, 1 मोल एटम में कितने, 16 ग्राम। तो मास ऑफ वन एटम हो जाएगा कितना मेरे भाई, एम बाई एन ए, क्या हो जाएगा, एम बाई एन ए। तुमने कहा नहीं मानेंगे, क्या एम एम यू लिख सकते थे और एम यू की वैल्यू 1/n होती है कि नहीं होती, होती है ना। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, जितना एटम हो, तुमने कहा एन एटम है तो एम इंटू एम बाई एन ए। तुमने कहा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, अरे एज लेंथ कितनी है भैया, ए है, तो क्या ए क्यूब होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एम बाई एन ए होल डिवाइडेड बाई ए क्यूब हो जाएगा, एन एम बाई ए क्यूब एन ए। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो क्या बोलते हैं, रो डेंसिटी, ठीक है। सिंपल सी लाइन में ये वाला ना समझ में आया हो तो समझो, जैसे हाइड्रोजन के लिए नहीं लिखते 1 ग्राम पर मोल, अरे लिखते हो ना, तो हम बोलते हैं कि 1 मोल एटम का वेट कितना होगा, 1 ग्राम। अच्छा एक एटम का वेट 1 mu लिख सकते हो कि नहीं हाइड्रोजन का, तो 1 mu बराबर क्या होता है, 1 mu बराबर 1/n होता है, तो देखो 1/n भी तो लिख सकते हैं। तो सिंपल सा भैया, उसके मोलकुलर मास में, उसके मोलकुलर मास में क्या, उसके मोलकुलर वेट में किसका भाग लगा दोगे, एनए का भाग लगाओगे, किसका भाग लगाओगे मेरे भाई, एनए का भाग लगाओगे, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। द डेंसिटी ऑफ इरिडियम 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द यूनिट सेल ऑफ इरिडियम इज FCC, कौन सा यूनिट सेल है, FCC है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इरिडियम, क्या निकालना है, R निकालना है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इरिडियम एटम, मोलर मास ऑफ इरिडियम, मोलर मास ऑफ इरिडियम कितना है, 192.2 ग्राम पर मोल। तो करना कुछ नहीं है, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ मेरे भाई, n इंटू एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू एम डिवाइडेड बाई रो इंटू एन ए, अरे यही ना होगा। होगा या नहीं होगा, वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो
ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट होगा। देखो एफ सी सी है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, चार, तो चार गुड़े 192.2 डिवाइडेड बाई, रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू है लिखा तो है इसमें 22/4, कट पिट नहीं रहा यार, कुछ तो कट ही नहीं रहा यार, बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई बात नहीं, 22.4 गुड़े हो जाएगा 6.022 × 10³। और यहां से जब a निकालोगे, ये कैलकुलेट करके मैंने a निकाला हुआ है, अब यहां लाइव में मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हैं, कैलकुलेट करके मैंने निकाला है तो a की वैल्यू आई है कितनी आई है, अंडर रूट ना समझो 192.2 × 40 डिवाइडेड बाई 22/4 × 6.022 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर। और ए बराबर आया जहां समझो, इसको कैलकुलेट जब हमने किया तो आया 3.849 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर। भाई मेरे, मैं फिर से बोल रहा हूं, बोर्ड वाले ना भाई आपके साथ धोखा करते हैं, हम क्या करते हैं, हमने यहां तक बता दिया, करके छोड़ दिया, आप ये गुड़ा भाग करते नहीं, करो ना गुड़ा भाग, करोगे तभी ना आएगा मजा। अरे कैसे करोगे, बोर्ड में तो आंसर लाना होगा ना, एग्जाम में तो आंसर मैच कराना होगा, तो कैसे मैच कराओगे। तो ए बराबर क्या जाएगा, 3884.9 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर, और 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूं पीकोमीटर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 384.9 पीकोमीटर, क्या हो जाएगा, पीकोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने कहा सर कि ये आंसर है, नहीं मेरे भाई, पूछा क्या है, आर पूछा है, क्या पूछा है, आर पूछा है, और कम से कम दसियों बार कर चुका हूं मैं कि आर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.3535A, क्या हो जाएगा 0.3535A × 384.9 पीकोमीटर आएगा 135.7 पीकोमीटर, या जिसे हम 136 पीकोमीटर भी बोलेंगे। क्यों, कैलकुलेशन इतना किया गया है, अप्रोक्सीमेट में तो आएगा ही मेरे भाई, इतना चलता है 136 पीकोमीटर। क्या किया हमने, ध्यान समझो, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। रो का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला पता था मेरे को, पता डेंसिटी दिया तो यूज करेगा, आर पूछा आर के लिए ए पता होना चाहिए, तो ए तो नहीं पता है, तो ए यहां से निकालेंगे, ए आ गया, ए आ गया तो फिर रिलेशन लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अरे समझे कि नहीं समझे भाई, समझ गए ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर विथ यूनिट सेल एज लेंथ, ए की वैल्यू दे रखी है 353.6 पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम, ठीक है ठीक है, एंड हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 cm³, हाउ मेनी यूनिट सेल इन देयर, कितना, चश्मा लगाने के बाद भी नहीं दिख रहा, इन देयर इन 1.00 cm³, 1 ml ऑफ एल्यूमिनियम, क्या है, 1 ml ऑफ एल्यूमिनियम, डाटा सही दे रखा है, हाँ सही दे रखा, ठीक है ठीक है, माइंड 3 point, ठीक है ठीक है। ए की वैल्यू देखो क्या, 3.536 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर लिख सकता हूं
उड़ जाएंगे कितने लोग, इसी में उड़ जाएंगे मेरे भाई। देखो क्या क्या a इज इक्वल टू 353.6 इंटू 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। अभी देखो दहाई है ना, इसमें 10 के पावर 2 कॉमन लो तो a बराबर क्या लिख सकते हो, 3.536 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर लिख सकते हो। कैलकुलेशन आसान करना है। r बराबर अपने को पता है 0.3535 a है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 0.3535 इंटू 3.536 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, और r की वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी। आंसर है बेटा आपके पास होना चाहिए, अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठूंगा तब तो बड़ा तबाही मच जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, r वैल्यू क्या हो जाएगा देखो, 125 पिकोमीटर, 125 पिकोमीटर। तुमने कहा पिकोमीटर नहीं चेंज करेंगे, अरे मत चेंज करो ना मेरे भाई, पिकोमीटर में मत चेंज करो, पिकोमीटर मत चेंज करो, यही आएगा आंसर। ठीक अब मैंने कहा नंबर ऑफ एल्युमिनियम चाहिए एक सेंटीमीटर क्यूब में, तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम कितना आएगा देखो जरा, एक सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, अरे भाई एक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या ए क्यूब होगा, तो एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, एक सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है, इतनी है 3.536 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो यहां से एल्युमिनियम निकल के आएगा क्या, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब उड़ गया, 8 × 3 = 24, 10 के पावर 24 ऊपर चला गया मेरे भाई, 3.536 का क्यूब आ गया, क्या आ गया 3.536 का क्यूब आ गया, और ये कट पिट के आ गया मेरे दोस्त समझिएगा 2.26 इंटू 10 के पावर 22 एल्युमिनियम यूनिट। अब सोचो सोचो यूनिट सेल का वॉल्यूम पता चल गया बहुत छोटा है, कितना है बहुत छोटा है, और आपसे कोई कह दे कि इतना बड़ा क्यूब हो उसमें बताओ कितने यूनिट सेल होंगे, तो सुनो वॉल्यूम निकाल लो क्या किसका, अरे जिसका पूछ रहा है, कितने में पूछ रहा है, एक सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो एक सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइडेड बाई एक यूनिट का वॉल्यूम निकाल लो, किसका निकाल लो, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लो और उससे रेशियो निकाल के आंसर कर लो। क्लियर है, दिमाग हिल जाने वाले क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही तगड़े तगड़े कैलकुलेशन लेकिन ठीक है फिर भी। 6 नंबर, इन ए आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई फ्रॉम फॉर्म एचसीपी लैटिस, द एटम ऑफ एलिमेंट एक्स ऑक्युपाई वन बाई थर्ड ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, देन फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। इसके तो हम लोग बादशाह हैं, चलो सीपी की बात करो मेरे दोस्त, इसमें एन की वैल्यू कितनी आई थी, क्या 6 एटम आई थी कि नहीं आई थी, 6 एटम आई थी, अरे आई थी ना मेरे भाई, तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे मेरे दोस्त, क्या 6 × 2 होंगे कि नहीं होंगे, अरे 2 गुना होता है ना, तो टेट्राहेड्रल वाइड कितना हो गया, 12 हो गया, कितना हो गया 12 हो गया। तो अगर मैं x के कोफिशियंट की बात करूं, मैं मान ले रहा हूं कि xm yn है, तो n की वैल्यू कैसे निकालोगे, 12 × 1/3 कितना 4 एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, एचसीपी लैटिस में, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्यों, उसका एटम तो पता है, तो कितना हो जाएगा, यहां समझो हो जाएगा x4 y6 मतलब x2 y3, क्या हो जाएगा x2 y3। अब ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आ गया भाई, कह रहा है कि
हाउ आर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइट फॉर्म। तो चलो आओ देखते हैं। मैंने पढ़ाया हुआ है, सब लोग अच्छे से देखो मेरे भाई। ये गड्ढा था, अब देखो सही से तो नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी ठीक है, कोशिश करूंगा। ये गड्ढा था, थोड़ा सा बड़ा हो गया है बट ठीक है चलेगा। ये गड्ढा ठीक, ये गड्ढा ठीक है, और ये गड्ढा और ये गड्ढा और ये गड्ढा और ये गड्ढा और यहां भी एक गड्ढा है और यहां भी एक गड्ढा है। पहली लेयर जो थी वो हेक्सागोनल 2D की थी, पहली लेयर हेक्सागोनल 2D की थी, ध्यान समझिएगा। ये वाली जो लेयर थी ये वाली जो एलो वाली लेयर है वो हेक्सागोनल 2D लेयर थी। क्या थी? 2D लेयर थी। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास गैपिंग थी उसको हमने भरा। अब हमारे पास दो गैप मिलेंगे, ध्यान समझना, दो वाइड मिलेंगे। एक तो ये हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड हो गया, और इसकी बात करोगे तो टेट्राहेड्रल वाइड हो गया। जो ब्लैक वाला दिख रहा है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड हो गया, जो येलो वाला दिख रहा है वो टेट्राहेड्रल वाइड हो गया। अरे समझे कि नहीं समझे? अब जो तीसरी लेयर होगी मेरे दोस्त, समझो, तीसरी लेयर होगी अगर वो तुम ऑक्टाहेड्रल वाइड पे रखोगे, ध्यान समझो, अगर तुम ऑक्टाहेड्रल वाइड मतलब यहां पे रखोगे, ब्लैक वाले पे रखोगे तो ABC लेयर बनेगी। कैसी बनेगी? ये अलग होगा, तीसरी लेयर अलग होगी, ABC लेयर बनेगी जिसे हम CCP कहेंगे। क्या कहेंगे? CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या हाँ क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहेंगे। लेकिन यदि आपने टेट्राहेड्रल वाइट पे थर्ड लेयर रखा, एटम को कहां रखा? टेट्राहेड्रल वाइट पे रखा, मतलब यहां रखा, इसके नीचे भी तो एटम है, तो पहले वाला जैसा दिखता था वैसे तीसरा दिखेगा, तो उसे बोलेंगे AB लेयर। क्या बोलेंगे? AB लेयर। और यहां से जनरेट होगा क्या? HCP। क्या जनरेट होगा मेरे दोस्त? HCP जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? HCP जनरेट होगा। ठीक है, तो वो जानना नहीं था टेट्राहेड्रल वाइट और ऑक्टाहेड्रल वाइट कैसे जनरेट होते हैं एक साथ, वो मैंने आपको दिखाया। डिप्रेशन में भरते हैं, डिप्रेशन में, समझ रहे हैं, उस जो गड्ढा था उसके डिप्रेशन में हमने भरना स्टार्ट किया, तब जाके ये क्या जनरेट हुआ, ये वाला चीज जनरेट हुआ। क्लियर है, समझ में आ रही बात? चल, क्वेश्चन से थ्योरी पे आगे पता ही नहीं चला, थ्योरी पढ़ रहे थे क्वेश्चन। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर एट तो करना नहीं है मेरे भाई, पूछ रहा है थर्ड लेयर ऑफ स्पेयर्स इज एडेड टू सेकंड लेयर टू फॉर्म ए CP और CCP स्ट्रक्चर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडिशन ऑफ थर्ड लेयर टू फॉर्म दीज हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर? क्या डिफरेंस है? ऑक्टा में रखोगे तो CCP बनेगा, टेट्रा में रखे हुए तो HCP बनेगा। दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं नौवां क्वेश्चन। क्या करा? मोलर मास दे रखा है 27 ग्राम पर मोल, एज लेंथ दे रखा है 405 पिकोमीटर, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट दे रखा है, डेंसिटी DRO से रिप्रेजेंट करते हैं,
डी या रो से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना दे रखा है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो सुनो मेरे भाई, करना क्या है, एन की वैल्यू निकाल लो। तुम क्या निकाल लो, एन की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो रो इक्वल टू होता है एन इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब एन ए। अपने को चाहिए एन चाहिए, तो एन इक्वल टू क्या जाएगा, रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए डिवाइडेड बाई एम। तो एन इक्वल टू क्या जाएगा, रो की वैल्यू देखो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 405 पिकोमीटर को बदलो, क्या लिखोगे 4.05 इंटू 10^-8 सेंटीमीटर को होल क्यूब, और इसमें मल्टीप्लाई किसका करो भैया 6.022 इंटू 10^23, और होल डिवाइड किसका करो एम। एम कितना है मेरे भाई 27, तो 27 से 27 उड़ गया। तो यहां से देखो तो एन इक्वल टू कितना आया, 27 उड़ गया 0.1 आया। तो क्या 0.1 इंटू 4.05 इंटू 10^-8, तो मैं 4 × 4 × 4 लिखूं तो 4 × 16 = 64 10^-24 इंटू 6.022 इंटू 10^23। अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 6.4 इंटू 6.02 इंटू 6.02 इंटू 10^-1, और n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो 6×36 × 24, ये लगभग 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। अरे ये इधर जाएगा ना मेरे भाई, कितना आएगा 4 आएगा। अब तुमने कहा n तो 4 आ गया, तो n इक्वल टू 4 आया, तो किसके लिए आएगा मेरे भाई, FCC के लिए। अरे आएगा कि नहीं आएगा, किसके लिए, FCC के लिए। 6 आता तो HCP, 2 आता तो BCC, 1 आता तो SC। क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, क्लियर है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 10वां। एन एलिमेंट हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर विथ यूनिट एसएल लेंथ 288 पिकोमीटर, हाउ मेनी यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मेनी यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट है। इसमें देखो भैया ना, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। करेक्शन इस प्रकार है कि डेंसिटी ऑफ एलिमेंट नहीं दे रखी है, और डेंसिटी ऑफ एलिमेंट अगर आप 14.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मान के चलो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मान के चलो, तो सारा आंसर सही आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग मैं करूंगा, ठीक है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स इन एक्स ग्राम एलिमेंट। फॉर्मूला डिराइव करवाया था मैंने, क्या एक्स इंटू एन बाई रो ए क्यूब, क्या हो जाएगा रो ए क्यूब, और नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, समझो यूनिट सेल इन एक्स ग्राम एलिमेंट। भाई यूनिट सेल में क्या एन से मल्टीप्लाई किया था तभी ना एटम आया, तो हो जाएगा एक्स बाई रो ए क्यूब। तो यही निकाल लो, एक्स कितना है 200 ग्राम है, डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू कितनी है 14.44 है, इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.88 इंटू 10^-8 सेंटीमीटर, इसका होल क्यूब कर लो 2.88 इंटू 10^-8 सेंटीमीटर का होल क्यूब बराबर हो जाएगा क्या मेरे दोस्त, और ये कट पिट के आएगा, क्या आएगा समझो जरा क्या आएगा 5.80 इंटू 10^23, कितना आएगा 5.80 इंटू 10^23
23, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी n की वैल्यू क्या होगी, बीसीसी है तो 2 हो जाएगा, लिखूंगा 2 गुणे, इसकी वैल्यू तो आ चुकी है 5.8 इंटू 10^23, तो हो जाएगा 58 दूना कितना हो जाएगा, अरे 116 होगा ना, 116 मतलब क्या हो जाएगा 11.6 इंटू 10^23 एटम्स होंगे। बात क्लियर है? चलो डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स मेटल कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर। देखो इसका सॉल्यूशन मैं बता चुका हूं, मैं फिर भी बता दे रहा हूं। बैंड थ्योरी, जब हमने बैंड थ्योरी पढ़ा था, तिनी गैप के आधार पर कंडक्शन बैंड, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, नीचे वाला बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, इन्हीं दो के बीच में जो बैंड गैप आ रहा था, उसी बैंड गैप के आधार पर हमने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था कि ये कंडक्टर होगा, क्योंकि इसमें बैंड गैप जीरो है, इसमें बैंड गैप थोड़ा सा है, तो ये सेमी कंडक्टर होगा, क्या हो जाएगा, सेमी कंडक्टर होगा, और इसमें बैंड गैप बहुत ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। बाकी जानकारी और जाननी हो, बार बार मैं बता चुका हूं तो अच्छा नहीं लगेगा, सीधे आप नोट्स को पढ़िए, ठीक। चल चल वो क्या कह रहा है, ध्यान समझते हैं। What are n type semiconductors? Why is conductivity of doped n type semiconductor higher than that of pure semiconductor? Explain this diagram. देखो देखो, जो प्योर सिलिकॉन होता है ना, वो ऐसा होता है, देखो ठीक है, प्योर सिलिकॉन ऐसा होता है, और मैं आपको बता दूं, कोई भी सॉलिड अपने लिए प्योर है तो उसका कोई महत्व नहीं है, जैसे ही इंप्योरिटी उसमें ऐड करोगे, जैसे ही कोई ना कोई डिफेक्ट आएगा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा होगा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा माना जाएगा, या मैं कहूं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जैसे एन टाइप है, तो एन टाइप का मतलब क्या समझो मेरे भाई, जिसमें ग्रुप 15 ऐड करते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है। अब इसी स्ट्रक्चर में सुनो, इसी स्ट्रक्चर में मैं इसको रफ करके नया ऐड कर दे रहा हूं, देखो मैं इसमें आर्सेनिक ऐड कर दे रहा हूं। अरे भाई, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, कुछ भी ऐड कर सकते हो ना मेरे भाई, आर्सेनिक ऐड कर दे रहा हूं। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, अब ये इलेक्ट्रॉन बच गया तो उससे ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये क्या करेगा, किसी और को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन किसका काम करेगा, अरे भाई चार्ज कैरियर, अरे यार चार्ज है ना, चार्ज है, चार्ज आ गया है तो क्या होगा, तो ये आगे बढ़ेगा, और यही कारण है कि एन टाइप की इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, किसकी होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अगर बैंड बनाओगे, ध्यान समझो, बैंड बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो बैंड होगा कंडक्शन बैंड वो पार्शियली फिल्ड होगा, और जो बैलेंस बैंड होगा वो तो फिल्ड होगा ही, कंडक्शन बैंड भी क्या हो जाएगा, पार्शियली फिल्ड हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो वो किसमें मूव कर जाएंगे, हायर एनर्जी के सेल में मूव करेंगे, और इन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं मतलब कंडक्टिविटी शो होगा, मतलब कंडक्टिविटी शो होगा। क्लियर है बात? चलो, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। 13 एक्सप्लेन विद डायग्राम फ्रेंकल डिफेक्ट, व्हाट आर द कंडीशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल। तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, फ्रेंकल क्या होगा, ध्यान समझो, फ्रेंकल क्या होगा, मैंने बताया मेरे भाई, कब बनते हैं ये,
कोऑर्डिनेशन नंबर केटाइन और एनाइन की साइज क्या होगी, केटाइन और एनाइन की साइज क्या होगी, लगभग लगभग, अरे भाई केटाइन क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे भाई, केटाइन और एनाइन के साइज में क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएंगे, अरे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएंगे, लो कोऑर्डिनेशन नंबर के बनाते हैं ना, चार 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 चार, AGCL, AGBR, AGI, CAF2ZNS, यही सब ना बनाते हैं। इसमें क्या जाता है, अपना लाइटिस छोड़ के ये जो है यहां से छोड़ के कहां चला जाएगा, इंटरस्टीशियल पॉइंट में चला जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, ठीक है। चौथा है, चौदहवां है इंप्यूरिटी डिफेक्ट। देखो इंप्यूरिटी डिफेक्ट क्या है ना, जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी लैटिस है ना उसमें इंप्यूरिटी ऐड रहती है। जैसे NaCl में क्या है, मैं CdCl2 डाल दूं, अरे CaCl2 डाल दूं, CaCl2 डाल दूं, तो क्या होगा, ये जो Na+ का आयन, ध्यान समझो, दो Na+ के आयन्स को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, कौन, Ca2+, क्या करेगा, Ca2+। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, तो यहां से भी Na+ गायब, यहां से भी Na+ गायब, और यहां पे बन जाएगा क्या, Ca2+, और यहां पे क्या हो जाएगी, ये सब हैं प्लस माइनस, समझ रहे हो, ये सब हैं, यहां पे क्या हो जाएगी, वैकेंसी डिफेक्ट आएगी, क्या आएगी, वैकेंसी डिफेक्ट आएगी, और होल जनरेट होगा, क्या होगा, होल जनरेट होगा, क्लियर है। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट को आपको पढ़ना है, इंप्योरिटी डिफेक्ट बेसिकली दो प्रकार का होगा, एक तो सब्स्टिट्यूशनल होगा, एक तो इंटरस्टीशियल, समझिएगा। सब्स्टिट्यूशनल में क्या होता है कि कोई भी आयंस आके सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है, और इंटरस्टीशियल क्या होता है कि जब वो किसी आयंस के द्वारा रिप्लेस किए जाए। तो एक बार अब मैं बोलता हूं और मैं आपसे कहना भी चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं, लेक्चर को एक बार जरूर देखिएगा, जो लेक्चर जिसमें मैंने डिफेक्ट्स पढ़ाए हैं डिफेक्ट्स वाला भी देखिएगा, जिसमें मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ाई है उसको भी देखिएगा। मैं थोड़ा सा डायग्राम दे दूं कि सॉलिड के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। सॉलिड में हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ा, तुमने कहा हाँ ठीक है उसमें पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड में हमने यूनिट ऑफ सेल पढ़ा, ढेर सारे डिफरेंट टाइप के, तुमने हाँ पढ़ा, तो उसमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा निकालना, हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा निकालना, हाँ तुमने पढ़ा, फिर हमने डिफेक्ट्स पढ़े, ढेर सारे डिफेक्ट्स पढ़े, तुमने कहा हाँ पढ़े, और फिर हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने इस टॉपिक में पढ़ी हैं, ठीक है, तो ठीक है। तो फिर इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखेंगे मस्त आएगा, और कोई भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई हम जरूर करेंगे, और यदि कोई दिक्कत आती है तो फिर कभी मुलाकात होगी आपसे, तो डाउट पूछिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि मस्त रहेंगे, और आज जाते जाते चैप्टर समाप्त हुआ है, तो क्या पब्लिक क्या बोलती है, एक शायरी तो होना चाहिए ना, तो एक शायरी भी हम सुनेंगे और सुनाएंगे भी, उसके बाद इस सेशन को समाप्त करेंगे। तो शायरी मेरे पास लिखी हुई थी लेकिन अभी मिल नहीं रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी मिल जाएगी, शायरी सुनेंगे उसके बाद जो है फिर घर चलेंगे, घर का मतलब पढ़ाई की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो एक चीज नोट कर लो, सॉलिड स्टेट में पॉइंट टू पॉइंट टेक्स्ट बुक भाई बहुत जरूरी है, टेक्स्ट बुक रख के जब आप वीडियो देखोगे उसका मजा ही अलग होगा, क्या होगा, उसका मजा ही अलग होगा। तो एक कहना है इस प्रकार से कुछ कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, भाई हर कोई भाग जाता है मुश्किल से, तो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, सुना ही होगा शायद, दोबारा सुना रहा हूं, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त कर रहा हूं, और फिर मिलेंगे नए चैप्टर में नई जोश के साथ और नए तरीके के साथ। बात समझ आ रही है, केमिस्ट्री को सिंपल बनाने मैं आऊंगा,
और चलिए फिर, धन्यवाद, माउस करिए।